फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों टोटली डिफरेंट हैं, अलग कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे, दोनों टोटली अलग हैं। फिटनेस हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा, और जैसे जैसे शॉर्टकट्स आ रहे हैं हमारी लाइफ में, इतनी फैसिलिटेट होते जा रहे हैं हम, तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो फिटनेस एक्सरसाइज ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए अगर आप डिजीज फ्री और हेल्दी हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। तो वैसे ही बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो फिट रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी जिम में इनरोल करें और कहीं पे मेंबरशिप लें और प्रॉपर उसके लिए टाइम शेड्यूल निकाल के वहां पे जाएं। अगर आप पॉसिबल है आपके लिए, आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल जाएं, बहुत अच्छी चीज है। आपको वहां स्ट्रेस रिलीज होगा, एक फ्रेश फील आएगा, दैट इज वेरी गुड। लेकिन उनके लिए जो हाउसवाइफ्स हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके बहुत सारे मतलब चीजें होती है जिसमें वो टाइम नहीं निकाल पाते, राइट। और आजकल में वो चीज रह जाती है, फिर उम्र निकल जाती है, टाइम निकल जाता है, और तब तक हमें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया होता है। तो उनके लिए ये है कि आप एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स कहीं पर भी, ओपन एरिया, गार्डन, अपने घर में कहीं पर भी हल्के फुल्के एक्सरसाइज करें, अपने खाने पीने की आदतों पे ध्यान दें। दिन का पहला मील चाय या कॉफी नहीं हो सकती, चाय कॉफी बिस्किट टोस्ट ब्रेड ये नहीं हो सकता। दिन का पहला मील वो हो जो हेल्दी सॉलिड और घर का बना हो, जो सबसे जरूरी है, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई प्रोटीन शेक, कोई प्री वर्कआउट ये वो, मैं ये कभी ये सब चीजें प्रमोट नहीं करता। मैं नेचुरल और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में बिलीव करता हूं और मैं उसी को प्रमोट करता हूं जो कि फ्री है, राइट। आप घर की बनी हुई कोई रोटी सब्जी खा लें सुबह का मील, वो भी ठीक है, बाकी फिर डिपेंड है अपने अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर है। लेकिन जो भी चीज हो, हेल्दी सॉलिड, लेस ऑयल में बनी हुई, कम तेल में बनी हुई हो, ज्यादा स्पाइसी ना हो, ये चीजें हैं, बेसिक सी है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और पानी ठीक से पिए, और सुबह जल्दी अगर उठोगे तो रात को जल्दी नींद आएगी, और दिन भर आप फ्रेश फील करोगे अगर आप सुबह एक आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेते हो तो, है ना। तो बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। फिटनेस का मेन मतलब यही होता है कि आप जो खा रहे हैं, बॉडी उसको प्रॉपर यूटिलाइज करे, उसके माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी को प्रॉपर मिले, आपकी नींद अच्छी हो, आप स्ट्रेस फ्री रहें, फ्रेश रहें, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, है ना। ये बेनिफिट्स हैं, ये चीजें हैं जिसके लिए हम इतना भाग रहे होते हैं, हम इतनी फैसिलिटी से लेस हैं, लेकिन फिर भी उसका मजा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हम हमारी हेल्थ, जो हमारा मेन एसेट है, हम उसकी केयर नहीं करते, जो कि सबसे पहले सबसे जरूरी है। जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, स्कूल है, इनको बड़ा करना है, उनको सेट करना, ये सब चीजें चलती रहेंगी। बच्चे बड़े होंगे, अपने अपने रास्तों में निकल जाएंगे, वो अपना करियर बना लेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, लेकिन वो आपसे क्या सीखेंगे ये भी जरूरी है। अगर उन्होंने आपसे ये सीखा कि आप भी अपनी हेल्थ को पहला प्रेफरेंस देते हो, तो वो भी आगे ऐसा ही करेंगे, और हमारी आने वाली सारी जनरेशन फिट और स्ट्रांग होंगी, राइट। आप उम्र के 30-35 साल इन्हीं सब चीजों में निकाल देते हो कि हमारी ये जिम्मेदारियां हैं, वो है ये, फिर लेकिन जब वक्त आता है, जब आप सोचते हो कि अब थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए और थोड़ा फिट बने, एक्सरसाइज करें, लेकिन तब तक जब अपने आप को आप आईने में देखते हो, आप बहुत कुछ खो चुके होते हो जो रिप्लेसेबल नहीं है, जिसे आप खरीद नहीं सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते, राइट। वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो पहले से प्रिकॉशन लें, आधा एक घंटा एवरी डे एक्सरसाइज करें, प्रॉपर खाना खाएं और नींद अपनी प्रॉपर लें। दुनिया की कोई भी चीज आपकी हेल्थ से बढ़ के नहीं है, हेल्थ है तो सब है, आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हो, बहुत फैसिलिटीज है आपके पास, ये वो, आप मतलब सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन उन सब का क्या फायदा अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है उस चीज का मजा लेने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, राइट। तो मेरा मेन मोटो यही होता है कि लोगों को एक ट्रेडिशनल हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल की तरफ मूव कराऊं, और ये कोशिश चलती रहेगी। थैंक यू।